Hi friends, so today we are going to study surface chemistry, which is an important topic of class 12. So first of all, adsorption, process of attracting and retaining the substance on the surface of solid or liquid is termed as adsorption. तो वो प्रोसेस जिसमें कि कोई सब्सटेंस अट्रैक्ट या रिटेन होता है सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन एंड इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना क्यों है अभी? क्योंकि जो सब्सटेंस अट्रैक्ट या रिटेन हो रहा है वो सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सरफेस फिनोमेना। और इसके एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास, जब हम आयरन पाउडर को मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो हमारा आयरन पाउडर मैग्नेट की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। नाउ वी कम टू एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम आफ्टर द एंट्री ऑफ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो किसी सब्सटेंस की एंट्री के बाद अगर हमारा ओवरऑल सिस्टम की वॉल्यूम में इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन एंड इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना क्यों है? क्योंकि जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन डिप्ड इन वाटर। These two terms, adsorption and absorption, must never be confused because it is a surface phenomena and absorption is a bulk phenomena. अब हम आते हैं sorption पर। When the process of absorption and adsorption takes place simultaneously, this process is termed as sorption. तो जब हमारी absorption और adsorption की process एक साथ होती है उसे हम बोलते हैं sorption. For example, cotton dipped in ink. तो जब हम cotton को ink में dip करते हैं तो जो inner most part होता है cotton का वो ड्राई ही रह जाता है, वो गीला नहीं होता, सो वी कैन कॉल इट एज अ सरफेस फिनोमेना। लेकिन जो हमारी कॉटन है उसके उसमें ओवरऑल वॉल्यूम में इंक्रीज तो हो ही रहा है, सो इट इज़ अ बल्क फिनोमेना एज वेल। सो वी कैन से हियर एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन। नाउ वी कम टू एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज टर्म्ड एज एड्सॉर्बेट। तो वो सब्सटेंस जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और एड्सॉर्बेंट वो सरफेस होता है जिसपे कि प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, व्हेन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज मोर देन द अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। तो जब हमारा एड्सॉर्ब्ड अमाउंट ज़्यादा होता है देन द लेफ्ट अमाउंट, तो ये होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास मैग्नेट है, 70% हमारा आयरन पाउडर एड्सॉर्ब हो चुका है और 30% इज लेफ्ट बिहाइंड, सो वी कैन से इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। सिमिलरली नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, व्हेन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज लेस देन द अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड इज टर्म्ड एज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो जब हमारा एड्सॉर्ब्ड अमाउंट कम होता है देन द लेफ्ट अमाउंट, तो इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा 30% ऑफ आयरन पाउडर एड्सॉर्ब हो चुका है एंड 70% इज लेफ्ट बिहाइंड, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नाउ वी कम टू डिसॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज टर्म्ड एज डिसॉर्प्शन। तो जब हम एड्सॉर्प्शन के रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन, और डिसॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ हाई टेम्परेचर। Desorption always takes place at high temperature. Now, on the basis of intermolecular force of attraction, we have two types of adsorption: physical adsorption called as physisorption, chemical adsorption called as chemisorption. Now, we will differentiate between these two. Physical adsorption takes place due to weak van der Waals force, whereas chemical adsorption takes place due to strong chemical bond. Physical adsorption mein we do not require any activation energy. Whereas chemical adsorption may we require activation energy. Enthalpy of adsorption in physisorption is low. Enthalpy of adsorption in chemisorption is high. Physical adsorption is a multi-layer phenomenon, whereas chemical adsorption is a unilayer phenomenon. Physical adsorption is non-specific, whereas chemical adsorption is specific. Bond dissociation enthalpy in physical adsorption is low, whereas bond dissociation enthalpy in chemical adsorption is high. Physical adsorption is a temporary process, whereas chemical adsorption is a permanent process. Example of physical adsorption is iron powder adsorb on the surface of magnet. An example of chemical adsorption is nitrogen plus 3 hydrogen in the presence of platinum as catalyst gives 2NH3. Ab yahan par hamara physical adsorption multilayer phenomena kyun hai? क्योंकि जब हम आयरन पाउडर को मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो उसके ऊपर जब आयरन पाउडर एड्सॉर्ब होता है
तो वो एक के ऊपर एक लेयर बनाता चला जाता है. सो इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेयर फिनोमेना एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक थिंग फॉर दिस प्रोसेस टू बी अकर्ड. नाउ बॉन्ड एसोसिएशन इन थेरेपीज की लो होती है एंड इट इज़ अ टेम्परेरी प्रोसेस. और इसमें इट इज़ अ यूनिलेयर फिनोमेना बिकॉज इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस एंड इट इज स्पेसिफिक बिकॉज हियर इन दिस रिएक्शन वी रिक्वायर प्लैटिनम ओनली एज अ कैटलिस्ट. नाउ बॉन्ड एसोसिएशन इन थेरेपी हाई होती है एंड इट इज़ अ परमानेंट प्रोसेस. नाउ वी कम टू फ्रेन्यूडल्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर. तो एट सेम और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्स बाय एम एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज टर्म्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. एंड फ्रेन्यूडल्स गेव अ रिलेशन बिटवीन एक्स बाय एम एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाय एम, दैट इज प्रेशर की पावर 1 बाय एम, वेयर एक्स इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एंड एम इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, एन इज एनी इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 एंड पी इज आर प्रेशर. सो वी गेट हियर एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय एम, वेयर के इज आर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. नाउ हियर इज अ ग्राफ एंड इट हैज थ्री पोर्शन, पोर्शन ए, पोर्शन बी एंड पोर्शन सी. दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्स बाय एम एंड प्रेशर. एट ए वी कैन सी एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. एट बी एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाय एन एंड एट सी एक्स बाय एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दैट इज एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0. सो दिस ग्राफ सिग्निफाइज दैट फ्रेन्यूडल्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज नॉट वैलिड एट लो प्रेशर. लो प्रेशर पर वैलिड नहीं होता फ्रेन्यूडल्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, दैट इज ए पर वो वैलिड नहीं है क्योंकि एक्स बाय एम जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाय एन होता है और ए पोर्शन पर हमें मिल रहा है एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. सो इट इज़ नॉट वैलिड एट लो प्रेशर एज वेल एज इट इज़ नॉट वैलिड एट वेरी हाई प्रेशर, दैट इज एट सी पोर्शन. बट इट इज़ वैलिड और एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट प्रेशर, दैट इज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रेशर फॉर दिस पार्ट बी. नाउ वी नो एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1 बाय एन. नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी. नाउ कंपेयरिंग इट विद वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स वी गेट दिस ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन लॉग एक्स बाय एम एंड लॉग पी, वेयर 1 बाय एन इज इट स्लोप एंड लॉग के इज वाई इंटरसेप्ट. नाउ वी विल स्टडी फ्रेन्यूडल्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर अ सोल्यूशन. For a solution, it is like this. X by m is directly proportional to C ki power 1 by n, where C is our concentration. Same as we done for our X by m versus pressure graph, here is the X by m versus concentration graph with portion A, portion B and portion C. And this is the graph plotted between log X by m and log C, where 1 by n is its slope and log K is y-intercept. Now we come to adsorption isobar. Iso means same and bar means pressure. So graph plotted between x by m and temperature at constant pressure is termed as adsorption isobar. So jo graph plot hota hai x by m aur temperature ke beech mein, keeping our pressure constant is termed as adsorption isobar. Now here we have two cases. Case 1 is of phase isorption and case 2 is of chem isorption. In this case, case 1, we can see with the increase of temperature, process of adsorption decreases. क्योंकि जो weak van der Waals force है वो break होनी शुरू हो जाती है in temperature के बढ़ते साथ. And in chem isorption we can see temperature जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे adsorption की process भी increase हो रही है क्योंकि उससे temperature ज़्यादा होने की वजह से उसे activation energy provide हो रही है. But एक जगह हम देखते हैं वो जाकर maximum हो जाती है और उसके बाद जो हमारे chemical bonds हैं वो break होने शुरू हो जाएंगे तो हमारी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस कम होनी शुरू हो जाएगी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. नाउ द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 10^-9 meters एंड दैट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इन बिटवीन 10^-9 meters टू 10^-6 meters एंड साइज ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1000 nanometers और इट इज ग्रेटर देन 10^-6 meters. And particles of true solution
are stable and do not settle down even in long standing. Colloidal solution ke particles settle down ho jate hain zyada der rakhne ke baad, and particles of suspension are settled down immediately. तो जब हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे हमारे माइंड में होना चाहिए वाटर, जिसके पार्टिकल्स हमेशा स्टेबल हैं और बहुत देर रखने के बाद भी वो सेटल डाउन नहीं होते हैं. और कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ने के टाइम पे हमें माइंड में रखना है मिल्क, जो कि एकदम से सेटल डाउन नहीं होता पर लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है. एंड सस्पेंशन पढ़ते टाइम हमें माइंड में रखना है मेडिसिनल सिरप, जो कि इमिडिएटली उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं. नाउ ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं है, एज वेल एज वो माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं है. और पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन आर विजिबल थ्रू नेकेड आई, आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई बट आर विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप. एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स नेकेड आई से भी विजिबल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल सिरप के पार्टिकल्स हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं. एंड ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज थ्रू पार्चमेंट पेपर. कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू पार्चमेंट पेपर. एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज थ्रू पार्चमेंट पेपर. और ट्रू सोल्यूशन के एग्जाम्पल वाटर हो गया, कोलॉइडल सोल्यूशन में मिल्क एंड सस्पेंशन में मेडिसिनल सिरप. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी मेथड्स टू प्रिपेयर कोलॉइडल सोल्यूशन. टिल देन बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग. And thank you for watching this video till end. And if you have not yet subscribed this channel, then please do subscribe. And thank you.